लीजिए दोस्तों, आज ये मैंने बनाई है बहुत ही आसान, बहुत ही डिफरेंट तरीके से, बिना प्याज लहसुन, बिना बेसन, बिना काजू बादाम। ये मेरी झटपट बनने वाली बहुत ही स्वाद, ये मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी। ये देखिए, देखने में ही इतनी लाजवाब और कितनी ही दिलकश लग रही है। दिल कर रहा है ना इसको, बस सीधा ही टीवी या मोबाइल की स्क्रीन से अंदर घुस के हम इसको बस इसका स्वाद चख लें। तो आज इस मटर पनीर की सब्ज़ी को मैंने किस तरीके से बनाया है, आज उसकी सारी ट्रिक और टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पीछे बनाई थी तो बहुत ही स्वाद बनी थी, तो इसलिए मैं आज इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं शेफ राजेश देसी शेफ किचन से। दोस्तों, पीछे ही मैंने अपने बेटे के लिए मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और उसको बहुत टेस्टी लगी। वो थोड़ी सी मैंने ना डिफरेंट तरीके से बनाई थी और मुझे नहीं पता था कि वो भी इतनी टेस्टी बन जाएगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि बहुत ही सिंपल और बहुत कम इंग्रेडिएंट में और बिना प्याज लहसुन के वो इतनी रिच बनी कि मैं खुद उसके स्वाद को चख के हैरान हो गया। तो मैंने बोला क्यों ना मैं इस रेसिपी को भी आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी उसके स्वाद को चख सकें। तो ये मैंने लिए है कम से कम भी 200 ग्राम पनीर और 100 ग्राम के लगभग मटर। ये मटर मेरे फ्रोज़न है, आप ताज़े भी ले सकते हैं। ग्रेवी मैंने सिर्फ टमाटर, अदरक और हरी मिर्च लिया, कोई प्याज लहसुन नहीं लिया। और ग्रेवी को रिच करने के लिए लिए मैंने थोड़े से मखाने, बहुत ही हेल्दी होते हैं और वही मुझे लगता है इस ग्रेवी के स्वाद का राज था। तो इन मखानों को मैं झटपट थोड़ा सा भून लेता हूँ। और ये अदरक, हरी मिर्च और टमाटर, ये टमाटर मैंने 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और ये थोड़ा सा अदरक लूँगा इसमें से आधा, और 4 से 5 हरी मिर्च लूँगा। ये देखिए, मिर्ची कम या ज़्यादा अपने परिवार के स्वाद अनुसार आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा तीखा खाता हूँ, मेरा परिवार भी तीखा खाता है, तो मैं इसके अंदर में हरी मिर्च तो यूज़ करूँगा, बाकी कौन कौन सी मिर्चें यूज़ करूँगा वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो लीजिए, ये मेरे मखाने भुन गए, अब इनको मैं झटपट ही ग्राइंडर में डाल के इनको ग्राइंड करके इनका एक अच्छा सा पाउडर बना लेता हूँ। इनको अच्छे से हमने रोस्ट करना है ताकि अच्छे से क्रंची हो जाए, और बस इनको झटपट में पीस के इनका पाउडर बना के आया। लीजिए, ये ग्राइंड हो गया है मेरा मखाना, इसको मैं साइड पे कर लूँगा, और अब इसी के अंदर में मैं अपना टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, इसको भी मैं झटपट ग्राइंड कर लेता हूँ। इनको भी मैं झटपट ही ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना के आया। और तो लीजिए, ये भी झटपट मेरा प्यूरी पेस्ट बन गया है। और सारी बेसिक देखिएगा कितनी टेस्टी और कितनी आसानी से बिना प्याज लहसुन, बिना काजू बादाम, हम कितनी अच्छी और रिच ग्रेवी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको और गैस की तरफ चलते हैं। तो लीजिए, गैस ऑन एंड पैन ऑन, और मैं इसको बनाने जा रहा हूँ रिफाइंड में, और साथ में इसी में डालूंगा मैं आधा चम्मच के लगभग देसी घी भी। इससे सब्जी में एक रिच फ्लेवर भी आ जाएगा, और आ जाएगा मेरा तेज़पत्ता और ये थोड़ा सा इलायची। और ये मैंने एक इलायची को अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया, इसको भी मैं इसी के साथ डाल दूंगा जीरे से पहले। और ये गया मेरा थोड़ा सा जीरा, इसमें मैं बहुत कम हींग डालूंगा क्योंकि मुझे इलायची के फ्लेवर को ओवरपावर करना है, तो मैं इसमें हींग थोड़ी कम डालूंगा। ये देखिए, अब इसमें डाल दूंगा मैं थोड़ी सी ये अपनी कश्मीरी लाल मिर्च, गैस बिल्कुल हल्की, और ताकि ये जले नहीं। और साथ ही में डाल दूंगा मैं अपना ये पेस्ट, बस इनको झटपट मिलाते हुए इनको तब तक ही भूनूंगा जब तक इनका तेल छूट जाए। ये देखिए, और अभी से कितना सुंदर कलर आया है ना ग्रेवी का, बिल्कुल मस्त। ये देखिए, और बस इसको झटपट ही भून के थोड़ा सा ही पकाना है, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन नहीं है तो हमको कुछ भी ब्राउन नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, पर ये झटपट ही हो जाएगा। तो लीजिए, ये मेरे मसाले ने, यानी कि इस टमाटर, अदरक, हरी मिर्च के पेस्ट ने अपना ऑयल रिलीज कर दिया है। अब डालेंगे इसमें हम थोड़े से मसाले, थोड़ी सी हल्दी, ये चौथाई चम्मच के लगभग मैंने हल्दी डाली, और डाल दूंगा आधा चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, और चौथाई चम्मच के लगभग ही मैं डाल दूंगा इसमें ये अपना गरम मसाला, और बस इसको भी मिला के भून लूँगा। और अभी तक मैंने नमक नहीं डाला। तो आपस में इनको एक दूसरे का अता पता पूछने देते हैं कि तुम थे कहाँ लापता, हमको क्यों नहीं था पता। ये देखिए, और बस
इनको एक मिनट तक इकट्ठा भूनना है ताकि ये मसाले भी अपना एसेंशियल ऑयल रिलीज़ कर दें, ताकि ये सब्ज़ी अच्छे से फ्लेवरफुल हो जाए। क्योंकि मेरे को इसमें इलायची के फ्लेवर को हाईलाइट रखना है, तो इसलिए मैं बाकी मसाले थोड़े कम डाल रहा हूँ। तो हुई ना बचत, ये देखिए। और अब इसमें डाल दूंगा मैं स्वाद अनुसार नमक, और अब इनको और अच्छे से मिला दूंगा ताकि मसाले अपना पूरा का पूरा मॉइस्चर अब नमक की वजह से जल्दी छोड़ दें। ये देखो। और अब मैं इसमें डाल दूंगा सबसे पहले अपने ये मटर। हालांकि मटर फ्रोज़न है, मेरे को इनको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये बर्फ़ के साथ में लग के पके ही होते हैं। इनको भी आपस में मिला के एक दूसरे का अता पता पूछने देना है। ये देखिए, वैसे तो देखा जाए मटर मसाला तो बन के तैयार है, हम इससे भी अपना मौज मना सकते हैं, पर मटर पनीर बनाने के लिए बोला गया है तो मटर पनीर ही बनाऊंगा। तो अब गया ये मेरा इसमें सारा पनीर, ये देखिए। और आप अभी से सब्जी की रंगत देखिए, ये देखिए। अगेन आप चाहें तो इनको ऐसे सूखा भी खा सकते हैं। ये देखिए, सफ़र के ले जाने के लिए, टिफ़िन के लिए बहुत ही फर्स्ट क्लास। ये देखिए, और अभी देखिए इन्होंने भी आपस में थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ना शुरू कर दिया, और इसी छूटे तेल में ये पनीर भी थोड़ा सा भुन जाएगा। ये देखिए, और अब इस स्टेज पे आके मैं डाल दूंगा ये अपना ये पिसा हुआ मखाना। ये देखिए, अब इसको भी मैं इसके साथ अच्छे से मिला दूंगा। ये देखिए, एकदम ही इसने पूरे मसाले को एक सार कर दिया। ये देखिए, देख रहे हैं ना कितनी तेजी से फर्क पड़ा। और अब इसमें जाएगा ये थोड़ा सा पानी, तो जिस और अब मुश्किल से 3 से 4 मिनट और पकाना है। और ग्रेवी आपको कितनी गाढ़ी रखनी है, कितनी पतली रखनी है, ये टोटली आपके ऊपर में, ये बिल्कुल अन्नपूर्णा की तरह बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से सारी इकट्ठी हुई है और गाढ़ी होनी शुरू हुई है। तो मैं इसमें और पानी डाल दूंगा। कुल मिला के मैंने इसमें 1 कप के लगभग पानी डाल दिया, और अब इसको हम धीमी आंच पे तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से अपना ऑयल ना छोड़ दे। ये देखिए, तो आंच जो रखिएगा इस समय मीडियम रखिएगा, हाई मत रखिएगा, कि जल्दी जल्दी इसको पका के, वो हमें सुखाना नहीं है, पकाना है। ये देखिए, तो बस इसको मैं अब कवर कर दूंगा, और ये तब तक इसको हल्की आँच पर पकाऊँगा, मीडियम आँच पर, तब तक ये अपना ऑयल रिलीज ना कर दे। ये मेरे मटर पनीर पकते पकते आधे रास्ते तक आ गए, और इन्होंने हल्का हल्का ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया, यानी कि जो मैंने मखाने का पाउडर डाला था वो भी अब पकना शुरू हो गया। तो अब मैं डाल दूंगा अपना ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये मैं डाल दूंगा 1/2 चम्मच के लगभग इसमें अपना काला नमक। आप डाल के देखिएगा, स्वाद और खुशबू दोनों ही नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। ये अक्सर आप रेस्टोरेंट होटलों में ढाबों पर जब भी जाएँ तो आपको वो क्यों डिफरेंट लगते हैं, क्योंकि वो कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट डालते हैं जो वो ऑफिशियली शेयर नहीं करते, पर मैं आज आपके साथ ये सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा काला नमक डाल के देखिए, उसके बाद में इसको पकने दीजिए। जो काले नमक का जो फ्लेवर है ना, वो तो गायब हो ही जाएगा, पर सब्ज़ी में जो टेस्ट एनहेंस होगा ना, वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन होगा। तो बस इसको थोड़ी देर और कवर करके इसको और पकने देते हैं, मीडियम आँच पर, थोड़ा सा ऑयल और छूट जाए। और टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए बिल्कुल, ये देखिए, मुश्किल से कुछ ही दाने चीनी के इसमें डाल दूंगा, ज़्यादा मत डालिएगा, ज़्यादा डालने से ये बहुत ज़्यादा स्वीटनेस की तरफ चल जाएगी। तो बस अब इसको, जैसे मैंने बोला, इसको थोड़ी देर और पकने देते हैं। तो लीजिए, ये मेरे मटर पनीर पकते पकते अपने मुकाम तक पहुंच गए हैं, और ये देखिए इन्होंने कैसे अपना सारा का सारा घी मखाने ने भी पक के कैसे छोड़ दिए, और जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी इसके ऊपर में ये सारा ऑयल ऊपर आ जाएगा रोगन बन के। ये देखिए साइडों पे सारा ऑयल जो है ना, ये देखिए कैसे कैसे निकल के आना शुरू हो गया। इसका मंत्र एक ही है कि हमने बिल्कुल ही मीडियम लो फ्लेम पे धीरे धीरे सिमर करते हुए इसको हमने कुक करना है। हालांकि इसमें पकाने जैसा कुछ नहीं है, परंतु इसमें पकाने के लिए जो हमने इसमें मखाने डाले थे और जो मसाले डाले थे वो अच्छे से भुन जाएँ। भुनने के बाद में वो अगर ऑयल रिलीज़ कर देते हैं तो समझ लीजिए कि इससे अच्छी ग्रेवी, तरी
और कोई हो नहीं सकती। ये देखिए, और जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा वैसे वैसे इसमें ये सारा का सारा रोगन ऊपर आ जाएगा। आप उसको निकाल भी सकते हैं, आप उसको रख भी सकते हैं। और अब इसमें मैं डाल दूंगा ये रगड़ते हुए थोड़ी सी कसूरी मेथी, बहुत अच्छा फ्लेवर और बायबादी को भी दूर करेगी। ये देखिए, बाकी धनिया सर्व करते हुए डालेंगे। सर्व करने से पहले धनिया मत डालिएगा, सर्व करते समय ही धनिया डालिएगा। बस एक बार फाइनल सीजनिंग इसकी एडजस्ट करनी है अपने हिसाब से, स्वाद अनुसार परिवार के। और ये देखिए कैसे तेल छूटना शुरू हो गया ना साइड से, तो बस यही इसकी निशानी है कि अब हमने इसको बंद कर देना है। और इसको वैसे तो गर्म ही खाना है, परंतु हल्का सा ठंडा होने के बाद में और टेस्टी हो जाएगा और ग्रेवी जो है ना और रिच हो जाएगी। ये देखिए अभी से कितनी रिच चाहिए ग्रेवी, बहुत ही स्वाद, मैं बता नहीं सकता हूँ, देखने से मेरे को ऐसी लग रही है, बाकी तो मेरा बेटा अप्रूव करेगा। ये देखिए इसमें जो ये तेल छूटता है ना, इसका जो मज़ा आता है यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मौका मिले मटर पनीर बनाने का तो आप इस रेसिपी की विधि के अनुसार अगर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपने बनाई तो कैसी बनी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल नए टिप नए ट्रिक नई रेसिपी के साथ में। तब तक आपसे जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माई मोटिवेशन एंड बेल आइकॉन फॉर माई वीडियोज नोटिफिकेशन। तो बस ऐसे ही बनाते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, पकाते रहिए, पचाते रहिए और पैसे भी बचाते रहिए और खुश रहिए। आपका आज और आने वाला हर दिन शुभ हो।